गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज ए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ओके तो आप जरा अपनी बुक का रेफरेंस ले लीजिए. दिस इज योर चैप्टर नंबर 13 और इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. इसको हम लोग क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. आपको याद है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था लाइक यू नो पूरा सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग राइट कि योर फैक्ट्री इज इन जामनगर गुजरात यू आर इन मुंबई राइट. आपके पास एक कस्टमर आता है आप उसको कैसे बताएंगे व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ये उसी के ऊपर बेस है राइट. कि सपोज इमेजिन योर सेल्फ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. आपने सोचा चलो डैड का बिजनेस ज्वाइन करते. योर डैड इज ए बिग इंडस्ट्रियलिस्ट राइट. उनका फैक्ट्री है सपोज वन फैक्ट्री इन जामनगर गुजरात राइट एंड सेल्स ऑफिस है मुंबई के अंदर. जब सेल्स ऑफिस मुंबई के अंदर है मुंबई में आपके पास मॉर्निंग में आपने ऑफिस में आप जाके बैठते कस्टमर आता है एंड कस्टमर आके आपसे पूछता है सर आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1. वो आपसे क्या परचेज करना चाहता है 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1. आप उसको कैसे बताओगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. अगर आपने प्राइस ज्यादा बोला कस्टमर वॉन्ट परचेज. अगर आपने प्राइस कम बोला आपको क्या हो जाएगा लॉस. तो आप उसको कैसे बताओगे कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे. सबसे पहले रिमेम्बर आपको मैंने सिखाया था स्टेप नंबर 1 इज ए कॉस्ट शीट. एकदम ध्यान दो आप कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट किसके लिए है. कॉस्ट शीट फॉर 1000 यूनिट्स ऑफ S1. कॉस्ट शीट यू कैन डिवाइड इन टू वन इज ए डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकेंड इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट मीन्स डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट एक्सपेंस. फॉर डायरेक्ट मटेरियल इन योर फैक्ट्री हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन. दो पर्सन होते हैं एक को हम क्या बोलेंगे प्रोडक्शन मैनेजर और एक को हम क्या बोलेंगे परचेस मैनेजर राइट. कस्टमर को हम बोलेंगे सर आप बैठिए मैं 5 मिनट में आपको बताता हूं व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. इट मींस ऑल द टॉपिक्स ऑफ CA इज डिपेंड्स ऑफ ओनली वन कंसेप्ट कि इवन योर एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर द अप्रूवल ऑफ कस्टमर बट यू कैन गिव द कॉस्ट बिफोर द एक्चुअल प्रोडक्शन राइट. उसके लिए हम लोग क्या बना लेंगे कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट यू डिवाइड इन टू वन इज ए डायरेक्ट कॉस्ट एंड वन इज ए इनडायरेक्ट कॉस्ट राइट. अब डायरेक्ट मटेरियल पहला है. डायरेक्ट मटेरियल में इन योर फैक्ट्री हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन. एक आपका कौन रहेगा प्रोडक्शन मैनेजर. दूसरा आपका कौन रहेगा परचेज मैनेजर. और उसके बेस पे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो टोटल कॉस्ट. सबसे पहले आपने प्रोडक्शन मैनेजर को मॉर्निंग में फोन लगाया उसको पूछा सर कैसे हैं भाभी जी कैसे हैं. बोले सर देर इज ए ऑर्डर ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट X1 कैन यू टेल मी 1000 यूनिट्स को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा. उसने पूरा कैलकुलेशन करके आपको बोला सर 1000 यूनिट्स को बनाने में एक यूनिट को बनाने में 10 kg तो 10,000 kg लग जाएगा. आपने रेट मैनेजर से पूछा व्हाट इज द रेट इज गोइंग ऑन 10 सो दिस कम्स टू 1 lakh. देन डायरेक्ट लेबर एक आपका प्रोडक्शन मैनेजर एक आपका रेट मैनेजर एंड देन यू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट. आपने प्रोडक्शन मैनेजर को फोन लगाया उससे पूछा सर देर इज ए ऑर्डर ऑफ 1000 यूनिट्स एक यूनिट को बनाने में कितने आवर्स लगेंगे. उसने बोला 10 hours पर यूनिट. इट मीन्स 10,000 hours. आपने रेट मैनेजर से पूछा सर एक घंटे का क्या रेट रहेगा. उसने बोला 10 एंड आपका टोटल कॉस्ट आ गया ₹1 lakh. Now what is the cost of material? Your material cost is ₹1 lakh. What is the cost of labor? Your labor cost is 1 lakh. Timing there is no other cost. Total cost 2 lakhs. Suppose charge a profit of 2 lakhs. आपका sale value क्या हो गया 4 lakhs. Now even the actual production takes place after the approval of customer. Even the actual production takes place after the approval of customer, but you can give the cost before the एक्चुअल प्रोडक्शन. सपोज ये पर्टिकुलर केस में ये हाउ एग्जैक्टली दिस सिस्टम इज वर्किंग. मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था नाइन कि ये कॉस्टिंग का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि ये सिस्टम कैसे काम करता है राइट.
मेरा फैक्ट्री जामनगर में, मैं मुंबई में हूँ, कस्टमर आया, मैं उसको कैसे बताऊंगा? जब तक मैं एस्टिमेट नहीं करूंगा मैं उसको बता नहीं पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा वो खरीदेगा नहीं। क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो वो खरीदेगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू एस्टिमेट। तो मैंने ये एस्टिमेट कर लिया। अब मैंने क्या किया, ये एक्चुअली प्रोड्यूस करके सेल कर दिया, इसको एक्चुअली प्रोड्यूस करके सेल कर दिया। नाउ आई वॉन्टेड टू नो हाउ मच इज द एक्चुअल प्रॉफिट ऑन दिस ऑर्डर। ये जो मैंने ऑर्डर लिया है इसके ऊपर मुझे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एंड दिस इज माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इट मीन्स बाय सेल्स दिस कम्स टू 4 लाख, टू मटेरियल, टू लेबर एंड टू ओवरहेड। रिमेंबर P&L अकाउंट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल, कॉस्ट शीट ऑलवेज ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड। क्यों, मैं प्राइस बताना था, या मुझे अब एक्चुअल में पता करना है हाउ मच इज माई एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं एक्चुअल प्रोडक्शन करने गया, एक्चुअल मटेरियल यूज 11,000 kg इंटू 11,121, एक्चुअल आर्स 11,000 इंटू 11,121, टू मटेरियल 121, टू लेबर 121 एंड टू प्रॉफिट 158। मैंने क्या प्रॉफिट सोचा था, 2 लाख, मुझे क्या प्रॉफिट आ रहा है, 158। मैंने पहले लेक्चर में आपको सेम एग्जांपल बताया था, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, ये साल आपका खत्म हो गया, बराबर प्रोडक्ट बना के सेल कर दिया, हमने सोचा था प्रॉफिट 2 लाख, हमें प्रॉफिट आ रहा है 158। सपोज सेम कस्टमर आपको आके बोलता है कि सर आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1, आई वॉन्टेड टू परचेज 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट S1 अगेन, तो हम कैसे लेंगे, क्या 1 लाख रुपीज करेक्ट कॉस्ट है या 121 करेक्ट कॉस्ट है, नहीं, क्या 1 लाख रुपीज करेक्ट कॉस्ट है या 121 है। यू रिमेम्बर फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम लोग ढूंढेंगे कि वेदर दिस इज कंट्रोलेबल और अन, जब आप CA फाइनल में आओगे तो एवरीथिंग इज देयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टेप 1 कॉस्ट शीट, स्टेप 2 P&L अकाउंट, स्टेप 3 रिकंसिलेशन, स्टेप 4 एनालिसिस वेरियंस। अभी आपके सिलेबस में ओनली क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरियंस, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, दिस इज योर स्टेप नंबर 3, इसको क्या बोलेंगे, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। क्या प्रॉफिट आपने सोचा था, मैंने प्रॉफिट सोचा था 2 लाख रुपए, क्या प्रॉफिट मैंने सोचा था, 2 लाख। Am I getting a profit of 2 lakhs rupees? Answer is no. Because of material, मुझे कितने का loss हुआ, 21,000. Because of labor, मुझे कितने का loss हुआ, 21,000. मेरा net profit क्या आ गया, 158. मेरा net profit क्या आ गया, 158. अब आप आ जाइए step number 4. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरियंस। इसको हम क्या बोलेंगे, एनालिसिस ऑफ वेरियंस, है ना। फर्स्ट दिस इज योर मटेरियल वेरियंस, वेरियंस मींस वेरिएशन से हुआ है, वेरिएशन मींस दोनों के बीच का वेरिएशन। क्या आपने कॉस्ट सोचा था 1 लाख, क्या कॉस्ट आ रहा है 121, दोनों में वेरिएशन कितना हो गया, 21,000, इसको क्या बोलेंगे, वेरियंस, वेरिएशन हो गया दोनों। अब इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, एक है आपका प्रोडक्शन मैनेजर, दूसरा है आपका परचेज मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था आपको, कितने केजी मटेरियल लगेगा, 10,000 kg, एक्चुअल में यूज हुआ 11,000। आपको पता करना है कि मेरा जो 21 का लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से हुआ है या परचेज मैनेजर की वजह से। मैंने सोचा था 1 लाख, एक्चुअल में खर्चा हुआ 121, कितने का लॉस हो गया, 21,000। फॉर द 21,000 हु इज द रेस्पॉन्सिबल पर्सन, या तो प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या बोला था, कितने के जी मटेरियल लगेगा, 10,000, लगा कितना, 11। अब हम उसको बोलते हैं आपकी वजह से 1000 kg ज्यादा यूज हो गया, वो बोलेगा यस सर। अब हम उसको बोलते हैं कि हमने परचेस किया 11 और आपकी वजह से 11,000 का लॉस हो गया, वो बोलेगा नहीं सर।
बिकॉज वो क्या बोलेगा, सर आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रेट फ्लक्चुएशन. प्रोडक्शन मैनेजर कभी भी रेट के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है. इसका मतलब व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट, व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट, यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट. इसी को हम क्या बोलेंगे आगे चल के, मेटेरियल यूसेज वेरियंस. इसका मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट. Whenever there is a quantity part, you multiply by standard rate. Whenever there is a quantity part, you multiply by standard rate. 10. कितने का loss हो गया आपने को? Whenever there is a quantity part, you multiply by standard rate. बोलेगा I am not responsible for rate fluctuation. अभी suppose हम लोग तीन जन हैं. एकदम logically समझो. ये most important part है standard costing का. ये समझ में आया यहाँ तक? परफेक्ट. अपन तीन जन बैठे राइट, सपोज तीन जन है हम क्लासरूम में. मैंने बोला नीचे से तीन एप्पल लेके आ, वो एप्पल वाला 10 रुपए का एक एप्पल दे रहा है. तीन एप्पल लेके आ, अपन तीनों जन खा लेंगे राइट, एक कैमरामैन एक तू एक में राइट. अब आप नीचे गए, नीचे गए अब उसके सब एप्पल बिक गए, उसके पास दो ही बचे और बोलता नहीं अभी तो 12 रुपीज का एक है. अब बोले ठीक है चलो 2 लेके चलते, कट करके खा लेंगे. अब मैं आपको बोलता हूँ यार मैंने तो तेरे को 10 बोला था, तू 12 दे के आया तो 2 रुपीज ज्यादा दे के आया. तो आप बोलोगे यस सर. अब मैं बोलूंगा 2 × 3 तेरी वजह से 6 रुपीज का लॉस हो गया, विल यू एग्री? आप बोलोगे सर मेरी वजह से 2 रुपए का लॉस हुआ लेकिन मैं कितने एप्पल लेके आया, 2, तो 4 का ही लॉस हुआ ना. इसका मतलब परचेज मैनेजर इज ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्वांटिटी जो वो खुद परचेज करता है. इसका मतलब व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट, क्या रेट पार्ट था 10, 10 की जगह आपने क्या पे किया 11 एंड मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल क्वांटिटी और आपका एक्चुअल लॉस हो जाएगा 11,000. इसका मतलब स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. सो आपको यही दो पॉइंट ध्यान रखने, व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट बिकॉज द प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस फ्लक्चुएशन. व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी. कौन सा एग्जाम्पल ये, मैंने आपको बोला 3 एप्पल लेके आओ, 10 रुपए का एक एप्पल है, आप 2 एप्पल लेके आए लेकिन आपने पे कर दिया 10 की जगह 12, 2 रुपीज एक्स्ट्रा, 2 × 3 6 रुपीज. आप बोलोगे नहीं सर मैं तो 2 ही लेके आया हूं, मेरी वजह से कितने का लॉस हुआ 4. अंडरस्टैंड ऑन नोट, प्रॉपर समझ में आ रहा है तो आप आगे लिखिए जरा ना. पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, टॉपिक आप लिख दीजिए चैप्टर 13 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर रहेगा उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम तो लेना ही रहेगा राइट. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग राइट, आप लिखिए पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर एट द टाइम ऑफ, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर एट द टाइम ऑफ एनालिसिस फॉर वेरियंस, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर एट द टाइम ऑफ एनालिसिस फॉर वेरियंस, एनालिसिस फॉर वेरियंस. ओके पॉइंट नंबर वन व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट, व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट एंड व्हेनेवर देयर इज ए रेट पार्ट, एंड व्हेनेवर देयर इज ए रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी. ओके पॉइंट नंबर टू, एनालिसिस ऑफ मटेरियल, एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉमा लेबर, एनालिसिस ऑफ मटेरियल कॉमा लेबर कॉमा वेरिएबल ओवरहेड, कॉमा वेरिएबल ओवरहेड
इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. ओके, पॉइंट नंबर थ्री, बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट. बट एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट. ब्रैकेट में लिखो नीचे, बिकॉज प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन. ओके, देखो जरा, पहले आपको क्लियर है, व्हेनेवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देयर इज ए रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, दैट इज क्लियर. दूसरा मैंने आपको क्या लिखा है, अब देखो, सपोज यू आर माई प्रोडक्शन मैनेजर, मैंने आपको बोला साहब मुझे 1000 यूनिट्स बनाना है S1 का. मुझे क्या बनाना है, 1000 यूनिट्स S1. कितना मटेरियल लगेगा, आपने कैलकुलेट करके बोला से 12,000 केजी. मैं बोला क्या रेट रहेगा, बोले 10, तो आपका टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, ₹1,20,000. प्रोडक्शन मैनेजर को क्या बोला, 1000 यूनिट्स बनाना है, एक यूनिट को बनाने में कितना लगेगा, 12 kg, तो 12,000 लगेगा, 10, 120. अब जब आप एक्चुअल में बनाने गए तो आपने क्या बना दिया, 1200 यूनिट्स. सपोज आप ले लो 10,000 एंड दिस कम्स टू 1 lakh. ये क्लियर हुआ कि नहीं, जब आप एक्चुअल में बनाने गए तो इंस्टेड ऑफ 1000 आपने प्रोडक्शन कर दिया 1200 यूनिट्स एंड मेटेरियल आपने यूज कर दिया 13,000 kg एट द रेट ऑफ 10 एंड दिस कम्स टू 130. कितने का लॉस हो गया, 30,000. मैं आपको बोलता हूं यार आपने तो बोला था 10,000 kg मटेरियल लगेगा और आपने मटेरियल यूज कितना कर दिया, 13,000 kg. इट मींस यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर 3,000 kg. क्या आप एग्री करेंगे, आंसर इज नो. आप क्या बोलोगे, सर मैंने 10,000 किसके लिए बोला था, 1000, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, 1200. मैंने आपको किसके लिए बोला था 10,000, 1000 के लिए, आपने एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया, 1200, तो कितना लगना चाहिए, 12,000. 12 की जगह 13 लगा, आई एम रेस्पॉन्सिबल ओनली फॉर 1000. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. तो मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हाट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन, 1200. ये 10,000 मैंने किसके लिए बोला था, 1000. आप कितना बना रहे हो, 1200. 10,000 फॉर 1000, तो 1200 के लिए 12 की जगह कितना लगा, 13 रेस्पॉन्सिबल. बराबर, तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूंगा मेटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, इट मींस इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. सही है, सुनो, राइट. आगे मैंने आपको लिखा है, सपोज यू आर माई प्रॉफिट मैनेजर, आप मेरे कौन से मैनेजर हैं, प्रॉफिट मैनेजर, आप मेरे कौन से मैनेजर हैं, सपोज से प्रॉफिट मैनेजर, इसका मतलब यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट. आप किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, प्रॉफिट के लिए. मैंने आपको बोला आपको ना एक प्रोडक्ट बना के सेल करना है S1, उसकी यूनिट्स रहेंगी 1000, सेलिंग प्राइस रहेगा 100 एंड कॉस्ट रहेगा 80, और आपको प्रॉफिट कमा के देना है 20, सो माय टोटल प्रॉफिट विल बी 20,000.
क्या बना के देना है, S1 कितनी यूनिट्स बना के देनी है, 1000, सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट 80, प्रॉफिट 20, टोटल प्रॉफिट। अब एक्चुअल में सेल हुआ S1, एक्चुअल में आपने कौन सा प्रोडक्ट सेल किया, S1, है ना। एक्चुअल यूनिट्स आपने सेल कर दी 1000, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 100, एक्चुअल कॉस्ट 90, प्रॉफिट 10 एंड द प्रॉफिट इज 10। अब मैं आपको बोलता हूं यार, आपकी वजह से ना 10,000 का लॉस हो गया, क्योंकि मैंने तो आपको प्रॉफिट बोला था 20, आपने कमा के दिया 10, आपकी वजह से 10,000 का लॉस हो गया। आप बोलोगे सर नहीं, आप क्या बोलोगे, सर आपने मुझे क्या बोला था, S1, मैंने क्या सेल किया, आपने मुझे कितने यूनिट्स बोले थे, 1000, मैंने कितने यूनिट सेल किए, 1000। अब आपने मुझे सेलिंग प्राइस क्या बोला, 100, मैंने कितने में सेल किया, 100। अब अगर कॉस्ट 80 की जगह 90 हो जाता है तो एम आई रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, नो। इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, प्रोडक्शन मैनेजर। लेकिन यहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। अगर आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, S1, 1000, 100, 80, 20, 20,000। ये जो लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, प्रोडक्शन मैनेजर। इसमें सब मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जब एग्जाम में आता है वो लोग क्या ले लेते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट। नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट। व्हाई, बिकॉज द प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट। तो इतना उसके नीचे एग्जाम्पल कॉपी कर लो, इतना आप कॉपी कर लीजिए ना पहले। ऑलराइट, अब इसका मतलब प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन, बराबर। अब मैं आपको इसमें क्या हेल्प करूंगा, आप बोलोगे सर व्हाट इज दानी की कॉस्टिंग, इसमें आपका क्या है, तो मैं आपको स्टेप्स सिखाऊंगा। राइट, तो लिखो जरा, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द सम। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, टेबुलर फॉर्म। स्टेप नंबर वन, टेबुलर फॉर्म। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर वन, टेबुलर फॉर्म। स्टेप नंबर टू, एनालिसिस ऑफ वेरियंस। स्टेप नंबर टू, एनालिसिस ऑफ वेरियंस। हाँ, कितने तरह के हम लोग वेरियंस कैलकुलेट करेंगे, एक चार्ट आप बना लो, सेल्स और टर्नओवर वेरियंस डिवाइड इन टू सेल्स और टर्नओवर वेरियंस डिवाइड इन टू एक आपका रहेगा प्रॉफिट और मार्जिन वेरियंस, एक को क्या बोलेंगे प्रॉफिट ऑफ मार्जिन वेरियंस, प्रॉफिट और मार्जिन वेरियंस, एक को हम बोलेंगे कॉस्ट वेरियंस। कॉस्ट यू डिवाइड इन थ्री, एक आपका रहेगा
मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, एक आपका रहेगा लेबर कॉस्ट वेरियंस, एक आपका रहेगा ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। ओवरहेड कॉस्ट में दो, एक फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस और एक वेरिएबल ओवरहेड। कॉस्ट वेरियंस सेल्स और टर्नओवर वेरियंस, प्रॉफिट और मार्जिन वेरियंस, कॉस्ट वेरियंस, कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, लेबर कॉस्ट वेरियंस, ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। पहला फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस। बोलो, समझ में आ रहा है? आप देखो, जस्ट यू रिफर क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन जरा आप देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ना, क्वेश्चन नंबर वन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखिए आप। क्वेश्चन नंबर वन आपको दे रखा है पेज नंबर 96। देखो जरा, पहले समझो क्या दे रखा है। कंप्यूट द सेल्स एंड सेल्स मार्जिन वेरियंस फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो। हम लोगों ने क्या सोचा था, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, एक्स एंड वाई, उसके बजटेड क्वांटिटी के यूनिट्स रहेंगे 240 एंड 160, राइट। एक्चुअल क्वांटिटी यूनिट्स रहेंगे 400, 200, बजटेड सेलिंग प्राइस 50, 25, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 45 एंड 20, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज 30 एंड 15, राइट। तो पहले हमको क्या बनाना है, कंप्यूट द सेल्स। तो पहले सेल्स का टेबल बनाओ आप, राइट, बनाओ। स्टेप नंबर वन, इसको बोलते हैं सेल्स वेरियंस, और इसको क्या बोलेंगे, टर्नओवर वेरियंस। सेल्स वेरियंस और पहला सेल्स वेरियंस या टर्नओवर वेरियंस, राइट। पहला स्टैंडर्ड एक्चुअल प्रोडक्ट क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये सेट फॉर्मेट आप दिमाग में बिठा लो। सेल्स वेरियंस में सबसे पहले कौन सा आएगा, टर्नओवर। टर्नओवर में स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। क्या क्या हम लोगों ने प्रोडक्ट सोचा था, प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, कितने यूनिट्स, 240, 160, 400. एक्चुअल में सेल हुआ 400, 200, 600. क्या क्वांटिटी सोचा था, 240, 160. क्या क्वांटिटी सोचा था बोलो, 240 एंड 160. जब एक्चुअल में सेल करने गए तो हमारा क्या क्वांटिटी सेल हो गया, 400, 200,
75 सेलिंग प्राइस सोचा था 50 25, 12,000, 4,000, 16,000, एक्चुअल में सेल करने गए तो 45 20, 18 4 22. सही है, सुनो पहले ये बताओ आपको टेबल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? एक्स एंड वाई। क्वांटिटी कितना है? 240 160 400, सेलिंग प्राइस ये है, ये सेल हो गया। एक्चुअल में सेल कर रहे थे तो 400 200, ये सेलिंग प्राइस है। फर्स्ट आपका आ जाएगा सेल्स वेरियंस। क्या सेल आपने सोचा था 16,000, क्या सेल आ रहा है 22, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 6,000। लॉजिकली जाओ, नो फॉर्मूला नथिंग। कितना सेल हम लोगों ने सोचा था 16, कितना सेल हो गया 22। इट्स गुड और बैड? इज गुड। हम लोगों ने सोचा हमारा सेल कितना होगा 16, हमारा सेल कितना हो रहा है 22, था इज गुड। अब उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? पहला सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, दूसरा सेल्स प्राइस वेरियंस। समझ लो पहले ना, एक्स एंड वाई। आपने क्या सोचा था सेल होगा 240, सेल हो गया 400। इज गुड और बैड? इट्स गुड। हम लोगों ने सोचा था 240, हो गया 400, ज्यादा हो गया राइट। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट 8,000 फेवरेबल। वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट राइट। आपने क्या क्वांटिटी सोचा था 160, क्या क्वांटिटी आ गया 200 इंटू 25, क्या आ जाएगा मिलके, क्या हो गया 600 राइट। ये आपका क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड सेल्स माइनस एक्चुअल सेल्स। आपको फॉर्मूला एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वी आर गिविंग एवरीथिंग इन टेबुलर फॉर्म। फिर भी एक दो सम स्टार्टिंग के लिए आप लिख लीजिए राइट। यहां पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। क्या क्वांटिटी सोचा था 240, क्या क्वांटिटी आ गया 400, 160 इंटू 50 कितने से बढ़ गया 8,000। क्या सोचा था 40 इंटू 25 कितने से बढ़ गया। अब रेट मैनेजर ने क्या बोला था 50, सेल कितने में किया 45, 25 सेल कितने में किया 20। अभी कोई भी कॉपी नहीं करेगा, समझो जरा। क्या सोचा था 50 रुपया मिलेगा, 50 मिलेगा, मिला कितना 45, 5 का लॉस हो गया, 5 इंटू 400 कितने का लॉस हो गया। आपने क्या सोचा था 25, मिला कितना 20। आपने क्या सोचा था 25, मिला कितना, कितने का लॉस हो गया 5 है ना, इंटू 200 कितने का लॉस हो गया आपका, टोटल लॉस 3,000 एडवर्स। इट मीन्स स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। कंप्यूट द सेल्स एंड सेल्स मार्जिन वेरियंसेस, सारे वेरियंसेस अपन कर देंगे तो दिस प्लस दिस इक्वल टू क्या हो गया ये। फिर इसके दो पार्ट होते हैं, पहले आप ये बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। क्या सोचा था 16, क्या मिल रहा है 22, कितने का प्रॉफिट हो गया 6,000। वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, वेन एवर देर इज ए रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल क्वांटिटी। इतना कॉपी कर लीजिए।
अब आता है आपका से जो मेन डिसीजन है वो यहीं पे। अभी देखो हम लोग आगे चल के एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसको बोलते हैं बजटरी कंट्रोल, बजट्स, है ना। अगर 240 सेल होने वाला है तो मैं कितना प्रोडक्शन करेगा, 240 करेगा ना, है ना। अगर सपोज मैंने 240 का सेल प्रोडक्शन किया होता और कस्टमर कितने आए, तो 160 कस्टमर लौट के जाते थे, राइट। इसके लिए अपन एनालिसिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर 240 करेक्ट है या 400 करेक्ट है। अब ये मैनेजर को पूछेंगे 240 करेक्ट है या 400 करेक्ट है, क्या चीज करेक्ट है करके, है ना। वो बोलेगा नहीं सर, दिस टाइम देयर इज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड, इसके लिए हमें डिमांड के वजह से इतना बढ़ गया करके, है ना। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो हर बार तो नहीं रहेगा, तो नेक्स्ट ईयर हम 240 बनाएंगे। या वो बोलता है सर मेरा मिस्टेक हुआ, 400 हम सेल कर सकते, बाय मिस्टेक मैंने आपको क्या बोल दिया, 240, तो आप 400 बनाएंगे, है ना। तो अब ओवरऑल बेसिस पे हम क्या करेंगे, हमने क्या सोचा था, इसको बोलते हैं सेल्स सब वॉल्यूम वेरियंस। क्या सेल आपने सोचा था, 400, क्या सेल हुआ आपका 600, 200 बढ़ गया। वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, अभी तो स्टैंडर्ड रेट नहीं है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस 16,000 डिवाइडेड बाय 440, इट मींस 8,000 फेवरेबल। आपने क्या सोचा था, 400, सेल क्या हुआ 600, कितना बढ़ गया 200, ठीक है। व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट अपने पास नहीं है तो यहां से ले लेंगे 16,000 डिवाइडेड, है ना। तो क्या हो जाएगा, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट, ये आपका क्या हो जाएगा, सेल्स मिक्स वेरियंस एक्स एंड वाई, है ना। आपने क्या सोचा था कि अगर टोटल 400 होगा तो मेरा एक्स कितना सेल होगा, 240 कितने में, 400 में, लेकिन आपका एक्चुअल में सेल कितना हो गया 600, तो 240 आउट ऑफ 400, आउट ऑफ 600 कितना आएगा 160 आउट ऑफ 400, 160 आउट ऑफ 400, तो आउट ऑफ 600 कितना आ जाएगा 240, और उसके सामने एक्चुअल सेल्स क्या हुआ है 400 एंड 200, इसको बोलते हैं रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, है ना। वेन एवर देर इज ए क्वांटिटी पार्ट यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, 360 की जगह कितना सेल हो गया 440, इट मींस 2000 फेवरेबल, 240 की जगह 200, 40 कम हुआ इंटू 25, 1000 एडवर्स, मिलके क्या हो गया 1000 फेवरेबल, 240 कितने में से 400 में, 240 कितने में से 400, तो 600 में कितना क्रॉस मल्टीप्लाई, 160 कितना 400, तो 600 से कितना 360, उसके सामने एक्चुअल में क्या सेल हुआ 400 200 400 200, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस एंड दिस प्लस, ये आगे चल के मिसिंग फिगर में बहुत हेल्प करेगा, तो इसके लिए मतलब आपको पूरा आना चाहिए, इतना कॉपी कर लो। इसको बोलेंगे सेल्स सब वॉल्यूम वेरियंस, इसको क्या बोलेंगे सेल्स मिक्स वेरियंस,
बराबर, एकदम से क्लियर हुआ। पहले हम लोगों ने क्या सेल सोचा था, 16,000, क्या सेल आ रहा है 22, कितने से बढ़ गया। फिर क्या सोचा था, 240 की जगह कितना सेल हुआ, 400, इज गुड राइट। वेन एवर देयर इज ए क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट, वो ले लिया है ना। अभी इसी का मार्जिन, मार्जिन में ध्यान रखना है, बजटेड प्रॉफिट इक्वल टू बजटेड सेलिंग प्राइस माइनस बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू एक्चुअल सेलिंग प्राइस माइनस बजट, बिकॉज द प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट फ्लक्चुएशन। अगर वो एक्चुअल कॉस्ट देगा भी एग्जाम में तो भी अपन को लेना नहीं है, अपन को क्या लेना है, बजटेड कॉस्ट। वाई, बिकॉज द प्रॉफिट मैनेजर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बनाओ टेबल, बना सकते हो। स्टेप नंबर वन, दिस इज सेल्स मार्जिन वेरियंस, स्टैंडर्ड एक्चुअल, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट प्रोडक्ट एक्स एंड वाई। क्या सेल सोचा था, 240, 160, 400, क्या सेल हुआ, 400, 200, 600। सेल्स मार्जिन वेरियंस, सेल्स मार्जिन वेरियंस, बराबर क्या सेलिंग प्राइस सोचा था, 50, कॉस्ट क्या था, 30, 50 माइनस 30 20, क्या सोचा था, 25 माइनस 15 10, 4800 1600 6400, 45 20 45 20, कॉस्ट 30 15 5 15, 6000 1000 7000। ऑलराइट, क्या करेंगे, इट मींस क्या प्रॉफिट सोचा था, 6400, क्या प्रॉफिट आ रहा है, 7000। इट मींस सेल्स मार्जिन वेरियंस, क्या मार्जिन सोचा था, 6400, क्या मार्जिन आ रहा है, 7000, कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 600। क्या मार्जिन सोचा था, 6400, क्या मार्जिन मिल रहा है, 7000, और कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 600 राइट। इसके दो पार्ट, सेल्स मार्जिन अभी सेम है ना, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स मार्जिन प्राइस वेरियंस, सेल्स मार्जिन वॉल्यूम एक्स वाई, 240 160 400 200,
whenever there is a quantity part multiply by standard rate, right? 160, 3200 favorable and 400 favorable, 3600 favorable. क्या quantity सोचा था? 240. क्या sale हो गया? 400. It's good or bad? It's good. Into 20, 3200. क्या quantity सोचा था? 160. हुआ कितना? 200. कितने से बढ़ गया? 10. ये हो गया है ना. फिर rate part, 20. 20 की जगह 15, 10, 10 की जगह 5, into 400, into 200, this comes to 2000 adverse, this comes to 1000 adverse, total 3000 adverse, this plus this equal to this, बराबर, क्या formula हो गया, it means standard profit minus actual profit. This is standard quantity, actual quantity, standard rate. Standard rate, actual quantity. बराबर? इतना कॉपी कर लो. सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन प्राइस, टोटल सेल्स मार्जिन वेरियंस. क्या प्रॉफिट सोचा था? 6400. क्या प्रॉफिट आ रहा है? 7000. कितने का प्रॉफिट हो गया? 600. क्या क्वांटिटी सोचा था? 240. 240 की जगह 400. क्या रेट सोचा था? 20. 20 की जगह रेट हो गया 15. कम हो गया, राइट? उसके बाद सेल्स मार्जिन वॉल्यूम डिवाइड इन टू सेल्स मार्जिन सब वॉल्यूम और सेल्स मार्जिन मिक्स. सब वॉल्यूम मीन्स टोटलिटी, सेम वही 400, 400 की जगह 600, 200 से बढ़ गया. एवरेज रेट 6400, 400, 3200 फेवरेबल. टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड एवरेज रेट, बराबर. फिर एक्स एंड वाई, बाद में कॉपी करना, एक बार समझ लो. X and Y, 240 out of 400, तो out of 600 is 360, 160 out of 400 into 600 is 240, उसके सामने 400, उसके सामने 200, 20 and 10, 40, 800 favorable, then
400 adverse, 400 favorable, this plus this equal to revised standard quantity minus actual quantity into standard rate. एकदम आराम से एक एक पॉइंट को समझ समझ के करो. राइट, say yes or no, friends. समझे या नहीं समझे? राइट, एकदम प्रॉपर, नो कंफ्यूजन. अब जरा एक पॉइंट ध्यान रखने का, सेल्स का जो प्राइस वेरियंस है वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, मार्जिन प्राइस वेरियंस के साथ टैली. ऐसा क्यों होता है वो बता दो, पहले जरा लिख लो. सेल्स प्राइस वेरियंस is always equal to sales margin price variance. Sales variance is always equal to sales margin price variance. Alright, समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्यों होता है, देखो यहां पे डिफरेंस क्या था, सेलिंग प्राइस 50, एक्चुअल सेलिंग प्राइस 5 रुपीज का डिफरेंस है ना. फिर दोनों जगह हम लोगों ने क्या माइनस किया है, कांस्टेंट अमाउंट. तो जो मार्जिन का है वो भी डिफरेंस क्या आएगा, सेम 20 की जगह क्या हो जाएगा, 15 5 रुपीज. क्योंकि दोनों, अगर बाई मिस्टेक आपने यहां पे एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दिया तो ये टैली होगा नहीं. सेल्स का प्राइस मार्जिन का प्राइस हमेशा क्या रहेगा, सेम. ओके, अब आप जरा ट्राई करिए, क्वेश्चन नंबर 2 मुझे सॉल्व करके दिखाओ, ओनली सेल्स से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर टू नहीं, इसमें कॉस्ट नहीं दे रखा तो मार्जिन नहीं होगा. राइट, ओनली सेल्स का करके बताओ. राइट, पहले जो भी इंफॉर्मेशन है ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म. राइट, क्वेश्चन नंबर 2 पेज 96. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स कैलकुलेट द नेसेसरी सेल्स वेरियंसेस. पहले टेबल बनाओ. राइट, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं अपने पास, बोलो. प्रोडक्ट ए बी सी,
क्या क्वांटिटी सोचा था, 5,000, 4,000, 3,000, 5,000, 4,000, 3,000. Sixty-two hundred, five thousand six hundred, five thousand, fifty-five, sixty-two point five, and eighty, fifty, sixty, seventy. स्टेप नंबर वन, व्हाट एवर इंफॉर्मेशन है यू हैव यू प्लीज ट्राई टू पुट इन टू द टेबुलर फॉर्म. व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यू जस्ट ट्राई टू पुट इन टेबुलर फॉर्म. जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उनको टेबुलर फॉर्म में डालिए. क्या सेल सोचा था हम लोगों ने, बोलो, 7 लैक्स प्रॉफिट नहीं सेल्स, 7 लैक्स सेल्स सोचा था ना हम लोगों ने. हाँ तो इज गुड, 391 है ना. हाँ वेरी गुड. स्टेप नंबर टू, दिस इज सेल्स वेरियंस. क्या सोचा था 7 लैक्स, क्या आ गया 1091, कितने से बढ़ गया 391. इसके टू पार्ट्स, सेल्स वॉल्यूम वेरियंस, सेल्स प्राइस वेरियंस, ए बी सी. 5,620, 4,560, 3,5,000, 50, 60, 70, 50, 55, 60,
समझ रहे हैं? सिक्सटी थाउजेंड फेवरेबल, 5,000 सोचा था, सेल हुआ 6,200 इज गुड, राइट? क्या रहे? क्या ये? हाँ 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 क्या आएगा? 96,000 फेवरेबल, ये क्या हो जाएगा? 296 प्लस 95, 391 बराबर. सेल्स सब वॉल्यूम, सेल्स मिक्स सब वॉल्यूम 12, 16,800, 7,12,000, राइट? A B C 5/12, 4/12, 3/12, 16,800, 16,800.
खुद से ट्राई करिए, राइट। ₹2,80,000 फेवरेबल। सुनो, ऑल राइट, समझ में आ रहा है, बोलो प्रॉपर एकदम, है ना। अब जरा एक ये जरा ट्राई करो ना, थ्री क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन थ्री पेज 96, बोथ सेल्स एंड मार्जिन। पेज 96, क्वेश्चन थ्री पेज 96 जरा ट्राई करो। इसने खाली प्रॉफिट वेरियंस पूछा है, अपन दोनों कर लेते, राइट। सेल्स वाला अपना क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा में, सेल्स वाला हमारा क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा में ना। उसने पूछा है ओनली मार्जिन, प्रॉफिट ही पूछा है ना, तो पहले सेल्स का करो, बनाओ टेबल। ए बी एन सी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं अपने पास, ए बी सी क्या क्वांटिटी है, 2,000, 3,200, 5,000, 2,000, 3,200, 5,000, स्टैंडर्ड रेट 50, 25, 20, 50, 25, 20, 2,400, 3,500, 4,800,
एक्चुअल सेलिंग प्राइस 45, 24, 25 बोलो 280312 280,312 या सेल्स वेरियंस, क्या सेल हम लोगों ने सोचा था 280, क्या सेल आ गया 312। 280 less 312 32,000 फेवरेबल। सेल्स वॉल्यूम सेल्स प्राइस ABC 2,000 3,200 5,000 2,400 3,500 4,800 50 की जगह 45 25 की जगह 24 एंड 20 की जगह 25 इंटू 2,400 3,500 4,800 Whenever there is a quantity part, you multiply by standard rate, and whenever there is a rate part, you multiply by actual quantity. Whenever there is a rate part, you multiply by actual quantity. Whenever there is a quantity part, you multiply by standard rate. Sales volume divided into sales sub volume sales mix 10,200
10,700, 2,80,000 divided by 10,200. टोटल सोचा था 10,200, टोटल आ रहा है 10,700. ए बी सी 2,32,00, 2,400, 3,500, 4,800 into 50, 25, 20. ₹15,098.03 favorable. ₹3,356.86. 3,578.43 favorable. 5,245.09 - 4,800 8,901.96 adverse. 2,80,000 13,725.49 favorable. Favorable. 23,500.
बोलो, समझ में आ रहा है? टैली हो रहा है सब, एवरीथिंग? सेल्स मार्जिन वेरियंस, आराम से करिए, समझ समझ के ना। सेल्स मार्जिन वेरियंस, सेल्स मार्जिन का टेबल बनाओ। सेल्स मार्जिन का टेबल बनाइए। ये एक्चुअल में पूछा है अपने से ना, सेल्स प्रॉफिट वेरियंस।
क्या आ रहा है चेक करो। क्या रहा है मार्जिन 132, 151, 500। पहला क्या आ जाएगा सेल्स मार्जिन वेरियंस। क्या मार्जिन सोचा था 132, 151, 500। ₹19,500 फेवरेबल। सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, सेल्स मार्जिन प्राइस, ₹25,10,10।
बिकॉज ऑफ फ्रैक्शन थोड़ा डिफरेंस आएगा ना. सेल्स का प्राइस मार्जिन का प्राइस सेम है. सेल्स का प्राइस देख सेम है. ओके सेल्स का प्राइस मार्जिन का प्राइस सेम है. परफेक्ट समझ में आया. क्या मार्जिन हम लोगों ने सोचा था 132, क्या आ रहा है 151 है ना. व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ये टोटलिटी में राइट. ये हमेशा किसके साथ टैली होना चाहिए, सेल्स प्राइस. ओके